गाइस मेरे पास अभी है दो डिवाइस, एक है पोको का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पोको M3 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरा जो है टेक्नो का स्मार्टफोन टेक्नो फोवा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पोको M3 11,000 रुपीज के अंदर ऑफर कर रहा है 6 GB RAM के साथ 64 GB स्टोरेज, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 662 चिपसेट, और यहाँ टेक्नो पोवा 10,000 रुपीज के अंदर ऑफर कर रहा है 4 GB RAM के साथ 64 GB स्टोरेज, और यहाँ पे MediaTek Helio G80 प्रोसेसर। इसीलिए बहुत सारे भाई लोग कन्फ्यूजन में है कौन सा स्मार्टफोन बाय करा जाए, और मुझे कमेंट कर रहे हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल फ्री फायर गेमिंग रिव्यू लेकर आने के लिए। तो आज इस वीडियो में फाइनली इन दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल फ्री फायर गेमिंग कंपेरिजन करने वाला हूँ, और उसके बाद बताऊंगी कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है आपके लिए बेस्ट। जानने के लिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को मास्ट भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम ले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खेलते हैं टेक्नो पोवा के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्मार्टफोन है टेक्नो पोवा, और इसके अंदर खेलेंगे मैं अल्ट्रा ग्राफिक करके हाई सेटिंग करके खेलेंगे इसके अंदर, और देखेंगे कितना बेटर गेम चलता है इसके अंदर, और उसके बाद बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है आपके लिए बेस्ट इसी प्राइस के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखते रहना, और चैनल को मास्ट भी सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो को आप एंड तक देखते रहना, एंड में मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है आपके लिए बेस्ट 11,000 रुपीज के अंदर। गाइस यहाँ पे जो गेम प्ले चल रहा है बहुत ही बढ़िया सा, ग्राफिक वगैरह भी बहुत ही बढ़िया सा मिल रहा है, कोई भी लैग नहीं दिखाई दे रहा। मैंने हाई सेटिंग करके खेल रहा हूँ, अल्ट्रा सेटिंग करके खेल रहा हूँ, कोई भी लैग मुझे अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने 1 किल कर चुका हूँ, और या फिर एक बंदा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसको किल करते हैं। या फिर मैंने इसको भी किल कर दिया, देख सकते हो मेरा 2 किल हो गया। तो देखते रहना गेम प्ले, एंड में मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। Thank you.
गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बुइया ले लिया, 15 किल कर चुका हूँ और इस मैच में मैंने जीत गया। और यहाँ पे आप खेलते हैं पोको M3 के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो पोको M3 इसके अंदर खेलेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है 11,000 रुपीज़ के अंदर। पोको M3 न रेडमी 9 पावर कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो एंड में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहना और यहाँ पे भी मैं अल्ट्रा सेटिंग करके खेल रहा हूँ, तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखते रहना। ऐसे भी गाइस अभी जो गेम प्ले चल रहा है काफ़ी बढ़िया सा, और यहाँ पे ग्राफिक वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा ग्राफिक यहाँ पे इसके अंदर जो आप ही दिखाई दे रहा है, जो गेम प्ले चल रहा है काफ़ी बढ़िया सा। तो देखते रहना गेम प्ले, एंड में मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो मेरा कॉन्क्लूसन पार्ट के लिए आप ज़रूर इंतजार करना, वीडियो को देखते रहना। और इधर से एक बंदा मुझे मार रहा है दोस्तों, इसको सबसे पहले छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरा पहला किल भी हो चुका है। कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है 11,000 रुपीज़ के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन, तो उसके लिए ज़रूर इंतजार करना, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ एंड में कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है 11,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट। और यहाँ से एक बंदा मुझे मार रहा है, तो इसको भी ठोक देते हैं। तो मेरा I'm
ऐसे भी गाइस इस मैच के अंदर मेरा 11 किल 12 किल हो चुका है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो गेम प्ले अभी भी चल रहा है काफ़ी बढ़िया सा गेम प्ले चल रहा है, कोई भी लैग वगैरह तो मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे भी गाइस इस मैच के अंदर मेरा 15 किल हो चुका है और अभी भी जो गेम प्ले चल रहा है काफ़ी बढ़िया सा। और यहाँ पे एक बंदा, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे ठोक देते हैं, बंदे ने भाग रहा है दोस्तों, और यहाँ पे इसको भी ठोक दिया और 16 किल हो चुका है। काफ़ी बढ़िया सा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, कोई भी लैग वगैरह को अभी तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पे एक बंदा है तो इसको भी किल करते हैं। काफ़ी बढ़िया सा गेम प्ले चल रहा है, जो 6GB रैम आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है काफ़ी बढ़िया सा। तो एंड तक देखते रहना, एंड में मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भी इसको भी मैंने किल कर दिया और 5 बंदा है दोस्तों, तो देखते हैं। और एक सिर्फ बंदा है तो कहाँ पर छुप के बैठे हैं तो देख लेते हैं, तो उसको भी मैं किल करेंगे शायद, तो देखते रहना। और यहाँ पे बंदे ने मुझे मार रहा है और इसको यहाँ पे सिंपल ठोक देते हैं और यहाँ पे क्या भाग रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैच का विनर मैं हो चुका हूँ चुके हैं। तो दोस्तों आप बारी आ चुके हैं कॉन्क्लूशन पार्ट, कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है आपके लिए बेस्ट। तो गेमिंग के लिए सबसे भी यहाँ पे विनर होता है टेक्नोकोवा, क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 662 से थोड़ा बेटर आपको परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने गेमिंग के पास पास यहाँ पे कैमरा बेटर लेना चाहते हो, फुल HD प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले भी लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कहूँ पोको M3 लीजिए, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन दोनों स्मार्टफोन से आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर देना, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।